संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कुइयां लोडिंग प्वाइंट पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां सीकेडब्ल्यू साइडिंग के 246 मजदूरों के नियोजन पर बीसीसीएल के सीएमडी एवं संयुक्त मोर्चा में हुई वार्ता के बारे में मजदूर भाइयों एवं बहनों को विस्तृत रूप से उपस्थित नेताओं के वर्णन किया गया, जहां जनता मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह उपस्थित हुई एवं सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी मजदूर भाइयों की ओर से बीसीसीएल प्रबंधन के साथ हुई वार्ता सफल रही, ये हमारी और आप सबकी पहली जीत है और आपके विश्वास और एकजुटता से प्रबंधन ने भी घुटने टेक दिए। साथ ही सीएमडी श्री समीरन दत्ता ने 15 अगस्त तक सभी मजदूरों को नियोजन देने के लिए पूर्ण विश्वास दिलाया है, यदि 15 तारीख तक प्रबंधन सभी को रोजगार दे देता है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी। वार्ता में हमारे सभी मजदूर नेताओं पर किए गए केस भी प्रबंधन द्वारा वापस लिया जाएगा, साथ ही अभी मजदूर भाइयों को नियोजन दिलाने के यह हम सभी प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहेंगे, जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिल जाता तब तक यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इस दौरान पूर्व निरसा विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व सिंगरी विधायक आनंद महतो, मजदूर नेता अभिषेक सिंह, राजाराम पासवान, संजय यादव, सपन पासवान, संजय महतो, उमेश यादव, दिलीप भारती, अखिलेश सिंह के अलावा संयुक्त मोर्चा के अन्य नेतागण एवं मजदूर भाई बहन उपस्थित रहे। सभी नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और हमारे मजदूर भाई, सभी माताएं बहनें, सभी को मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये जीत अगर हमें मिली है तो कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत और एकता की वजह से। आप लोगों ने जिस तरह से विश्वास हम लोग पे जताया और बहुत ही विस्तार से अभिषेक जी आप लोगों के बीच बात रख दिए, लेकिन यही आपसे मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोग अब तक विश्वास रखे और मैं जानती हूँ कि ये घड़ी आपके लिए बहुत दुख की घड़ी दिख रही है और आपका दुख मेरा दुख है, यही देखते हुए हम लोग आपके बीच आए, आदरणीय अरूप जी आए और सभी यहाँ नेता लोग, क्योंकि एक दिल से लगाव है आप लोगों से, वर्षों से आप लोग खून पसीना लगाकर आप मेहनत किए हैं और यूं ही आपका मेहनत हम लोग बगैर कोई दोष का हम लोग जाने नहीं देंगे और कहीं ना कहीं आप लोग का सहयोग से, आपका प्यार से और आपका आशीर्वाद से हम लोग उस जगह तक पहुंच पाए हैं और आखिर में हमारे सामने मैनेजमेंट झुक गया, आपके सामने झुक गया। ये लड़ाई हम लोग को जारी रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई अभी समाप्त हो गई है, हाँ लेकिन एक हिस्सा हम लोग जीत गए हैं। आज सीएमडी साहब जो हम लोग के बीच वार्ता बातें हुई, उन्होंने साफ तौर से बोला कि जब हम लोग 15 दिन में कोई रोजगार अगर नहीं देंगे, हम अपने मजदूर भाई को उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे और कहीं कोई तरह से अगर हम लोग में बातचीत नहीं होगी तो आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग साफ तौर से इस बात को सीएमडी साहब के सामने रख दिए, सीएमडी साहब भी बहुत गंभीरता से आपकी बात सुने और लिए भी, और हम लोग को सभी नेतागण को विश्वास दिए हैं कि आप लोग हमें सिर्फ 15 दिन मौका दीजिए, 15 दिन में अगर हम कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, उनको वापस उस रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो आप लोग को जो मन करेगा, जितना मन करेगा आंदोलन कीजिए या साइडिंग भी बंद कीजिए, हम कोई रोक नहीं करेंगे। तो हम लोग की एक तरह से पहली जीत हुई है और आप लोगों को जीत हुई है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है, हम लोग अभी भी आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे जब तक कि आप उस जगह पर नहीं पहुंच जाते, जब तक कि आप उसी तरह रोजगार में लग नहीं जाते, तब तक आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि संयुक्त मोर्चा की ओर से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई एक ऐतिहासिक होगी और सभी को सीख मिलेगी कि किस तरह से मजदूर भाई को जो चाहेगा सताने के लिए तो उसे कमजोर ना समझे, उनके साथ तमाम रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग को जो मन करेगा, जितना मन करेगा आंदोलन कीजिए या साइडिंग भी बंद कीजिए, हम कोई रोक नहीं करेंगे। तो हम लोग की एक तरह से पहली जीत हुई है और आप लोगों को जीत हुई है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। हम लोग अभी भी आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे जब तक कि आप उस जगह पर नहीं पहुंच जाते, जब तक कि आप उसी तरह रोजगार में लग नहीं जाते, तब तक आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। क्योंकि संयुक्त मोर्चा की ओर से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक ऐतिहासिक होगी और सभी को सीख मिलेगी कि किस तरह से मजदूर भाई को जो चाहेगा सताने के लिए तो उसे कमजोर ना समझे, उनके साथ तमाम नेतागण खड़ा है, चाहे बैनर कोई हो, लेकिन हम लोग का मकसद एक ही है, मजदूर भाई को। मजदूर भाई पे कोई दिक्कत आएगी तो हम सब एक होकर सबके लिए आवाज़ उठाएंगे। वो फिर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि बैनर किसका है, मजदूर चाहे जिसका भी हो सही हक मिलना चाहिए। इसके लिए लड़ाई हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आप लोग विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और हम लोग को जीत पक्की होगी। कहीं ना कहीं कुछ दलाल लोग भी इस बीच में बैठे थे जो आपको पेट पे लात मारने के लिए दिन रात लगे रहे, लेकिन उनका दाल नहीं गला और ना ही आगे गलने देंगे। आपको उस जगह पर हम लोग पहुँचा कर ही हम लोग दम छोड़ेंगे, ये भी हम लोग। और इसमें सभी लोग का योगदान रहा और हमारे अरूप जी आप लोग के साथ बहुत हिम्मत से लड़े रहे, डटे रहे, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सब एक होकर आपके साथ है। और आपके आपका एकता हमें हौसला दिलाया कि वो बहुत लोग आए, बहुत लोग गुमराह किए आपके बीच, बहुत लोग तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन आपका एकता, आपका प्यार हम लोग का हिम्मत बना रहा। और इसी तरह आप लोग अगर एकता बनाए रखिएगा तो दुनिया के कोई ताकत आप लोग को रोजगार नहीं छीन सकती। और जिस तरह से बेवजह हमारे नेताओं पर केस किया गया था, हमारी पहला मांग वही था कि पहले आप केस उठाइए उसके बाद कोई वार्ता होगी, क्योंकि वो नेता कोई गलत नहीं है, अपने मजदूर भाई का हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, ताकि किसी से रंगदारी और किसी से गुंडागर्दी नहीं मांगा कि उस पर कि केस होना चाहिए। बाकायदा हमारे बातों को रखा, हम लोग सुनाए और हम लोग को बातों को जितने भी था गंभीरता से लिए और पहले ही राउंड में बोले कि हाँ हमें मंजूर है, कोई केस किसी पे नहीं होगा। तो हमारे नेता बहुत जल्द आपके साथ रहेंगे और आप भी धैर्य रखिए। मात्र 15 दिन के बाद है, 15 दिन हमसे समय लिया गया है, 15 दिन भी हम लोग खुशी खुशी देते हैं। और 15 दिन बाद अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा, आप लोग निश्चित रहिए। बहुत बहुत सबको एक बार धन्यवाद, आपको प्रणाम।